Hey guys, welcome to the new episode of Design Diaries. Myself Rohan और आज हम करने वाले हैं एक पेंटिंग जो कि है मेट्रो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। आज के पेंटिंग की जो खासियत है वो ये होने वाली है कि ज्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा पेंटिंग में, बाउंड्रीज अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी हाउ इट बिकम्स। और जो हर यूट्यूबर बोलता है मैं वही बोलना चाहूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्दो इट हैज बिकम लाइक अ मीम और जोक ऑफ सम काइंड, बट प्लीज डू इट and hope you will like it. इस पेंटिंग में स्केचिंग एक्यूरेटली करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स एक साथ आ रहे थे, कंपोजिशन बना रहे थे, स्पेशली द ओवरहेड मेट्रो ब्रिज जो कि पर्सपेक्टिव डिफाइन कर रहा है इस पेंटिंग में, इसलिए मैंने स्केचिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जो बड़े शेप्स हैं वो पहले डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने स्काई पहले पेंट करना चालू किया है और मैं वेट इन वेट टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ स्काई के लिए एज ऑलवेज, जो कि बहुत अच्छे से नेचुरली स्काई को डिफाइन करेगी। मेट्रो का ब्रिज जो कि राइट साइड में है उसको बैलेंस करने के लिए एक हेवी मास लेफ्ट हैंड साइड में डालना कंपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्री है वो भी मैंने कवर अप कर लिया है। अभी मैं उसी ट्री को डिफाइन करने के लिए वेट इन वेट टेक्निक का यूज़ करूँगा ताकि वो ब्लर में चला जाए और जो फोकस है वो अपने कार्स के ऊपर या फिर जो क्रेन लगी है उसके ऊपर रहे। बड़े पेड़ को छोड़ के जो बाकी सारे ट्रीज हैं उनको पेंट कर रहा हूँ लाइट वॉशेस के साथ। अब मेट्रो ब्रिज के शेप को डिफाइन करेंगे जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इस पेंटिंग में। मेट्रो ब्रिज के शेप में शार्प एजेस ज्यादा नहीं है इसलिए जो कर्व्ड एजेस हैं उनको डिफाइन करने के लिए ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, वेट इन वेट यूज़ करेंगे और एक कलर दूसरे में मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे, उससे एक कर्व होने का एहसास आएगा। We'll be right back.
तो दोस्तों हमारा पेंटिंग लगभग पूरा हो चुका है, मैं कुछ फाइनल डिटेलिंग कर रहा हूँ।